हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई एक इंडियन लड़के है जो कि भाई मैंने उनका ना बहुत ज्यादा दफा देखा है ट्रक चलाते हुए, ट्रक पहाड़ी इलाकों में। तो आज हम इनको देखने वाले हैं ट्रैक्टर पे, जो वो होता है ना गांव में पालियां, हाँ वहां पे क्या हम इसको चला रहे हैं, चला के तो वो वही करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो करने वाले खेती बाड़ी। हाँ खेती बाड़ी। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार किस्म की वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। नेहा ठाकुर है शायद इनका नाम, उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज के लिए। चप्पल निकल रही है बाहर, इस साइड से मैं ही ट्रैक्टर लेके आई थी और आधा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम दोबारा से आ चुके हैं अपने खेत में, और पीछे आप देख सकते हैं कि जो मेरा भाई है वो हल लगा रहा है खेत में। तो हमारा अपना ट्रैक्टर है, तो हम जब दिल करता है तब लेके आ जाते हैं और जब दिल नहीं करता तब आराम करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मौसम खराब था और रात को, मतलब परसों रात को जो है काफी बारिश हुई थी और उसके चलते चलते मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तब जाके हम काम करने के लिए आए और मैं खुद खेत में आई हूँ। तो अभी इसने ऊपर वाले खेत में हल लगाया, अभी इस वाले खेत में लग रहा है। इसका दिल भरेगा तब मुझे मिलेगा चलाने। भाई दो भाई बहन हो तो यही लड़ाई रहती है, और दोनों मैं चलाना। और चलो कोई बात नहीं, मेरे को मौका मिलेगा तो हम भी छक्के चक्के चुकाने की, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार मैं पापा के साथ आई थी, दोनों ने मेरे को पूरा खेत दिया था ये हल लगाने के लिए पूरा। और ये जो ऊपर वाला छोटा खेत है इसमें भी मैंने खुद लगाया था हल, पर ये जो है ये मानता नहीं है, ये चाहता है कि मैं जितना हो सकूँ उतना खुद काम करूँ, इसको कुछ नहीं तो कर लूँ। पर मैं भी इसके पूरे मुकाबले में खड़ी होती हूँ। आज धूप भी नहीं है तो इसका दिमाग भी ठंडा है। मम्मी लेके आए हैं अमरूद, वो वहाँ पे लगा रहे हैं। चिंटू ने वो खा लिया पहले आधा, फिर आधा अब मम्मी लगा रहे हैं। अगर मम्मी लगाएंगे तो ये दोबारा से खा लेगी उसको। और ऊपर हमारी सुहागड़ा देवी माता, कुल देवी हमारी, कितने टॉप पे हैं, सभी भगवान टॉप पे रहते हैं। खेत में आके हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे स्कूल में करती थी मैं अपनी बारी का इंतजार की, मेरी बारी कब आएगी करवाने के लिए। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि आप पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थे क्या? मैं ठीक थी, पर यार मेरी ड्राइविंग और मतलब गाड़ियों की तरफ ज़्यादा झुकाव था, इसलिए इस लाइन में आई हूँ। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है, वरना लोग तो बड़ी बड़ी हींगे हाँक देते हैं कि भाई हमारा सपना ये था, हमने पूरा किया, ये किया वो किया, वो तो सपना पूरा उनका है। मैं बोल सकती हूँ मेरा सपना पूरा हुआ है। तो हम खेत में इस काम के लिए थोड़ी आए हैं। इतना बड़ा खेत है हमारा, ये इस खेत में जो है पूरा ग्राउंड बन सकता है, वहां से लेके यहाँ जमीन खोल दे रहे हैं ना पॉइंट तक, इतना लाल लाल हो गया। मतलब कि हमारी जमीन तो बहुत है, मतलब ना फिर इधर बैठे की लंबे हम खुद करते हैं काम। पहले तो मैं बोलो तो पहले मैं ज्यादा काम करती थी, अब मैं यूट्यूबर बनी हूँ तब से कम काम कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आदमी बदल जाता है, बदलना इंसान की फितरत है, फितरत में है बदलना। क्या ही माँ प्यो सारे फसलां करते हैं, हर बंदा करता है। मेरी बारी का पानी, ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, इसके नीचे खेलते थे पहले जब इस खेत में काम करने के लिए आना, और तो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का खेतों में काम हो चुका है या रह चुका है। हमारा तो अभी बहुत खेत है, हल्की हल्की बारिश लगने लग गई। दे नहीं रहा मेरे को ये,
दे ही नहीं रहा मेरे को, मेरी ड्राइवर के पास नहीं दे रहा, मेरी बारी नहीं आ रही। सोच रहा मैं कितना चला लूं आज गमछा ओढ़ के। गमछे दे, झूला ले लेते हैं बैठ के। ये हमारी मक्की, मक्की लाल क्यों है? मक्की लगा रहे हैं चिंटू, उसको छलिया। एक और जानवर छली बनाएगी, इसको तो मैंने साई नहीं दी थी, ये बिना साई के कैसे आ गया हमारे खेत में? कुछ नहीं बोल रहा है, पिछले ब्लॉक में तापमान बढ़ चुका था इस करके ट्रैक्टर यूं यूं करके घूम रहा था। लोगों ने कमेंट किया कि ये खुद को भी हिट करेगा और दूसरों को भी। आज आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से काम चला हुआ है। हमारे अड़ोस पड़ोस में सब ने अपने खेतों में हल लगा लिया, बस हम रहे हुए हैं क्योंकि हम हैं मर्जी के मालिक। उनका ऐसा है कि एक ट्रैक्टर अगर खेत में घुसता है तो फिर वो सबके खेत में लगाता है हल, जितने भी खेत होंगे, क्योंकि सबके पास अपने पर्सनल ट्रैक्टर नहीं है यहाँ पे हमको छोड़ के। मेरी बारी आ ही नहीं रही है और यहाँ पे एक छोटा कुत्ता आ चुका है खेत में, व्हाइट एंड ब्लैक। कौन है तू? क्या कर रहा है मेरे खेत में? हैं? कौन है तू? तितलियों को खा रहा है इधर। ये इतना पार्ट अब इसका है और इतना मेरा है। लोगों का कुत्ता हमारे खेत में और हमारी बकरी दूसरों के खेत में, सब यहाँ पे चमके हुए हैं फुल लॉन। और ये नीचे हमारा घर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो ये है अपना घर, ज्यादा दूर नहीं आए हम, यही है पास में। ये चींटियाँ भी हमारे खेत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको भी। इनका भी इधर छोटू सा घर है, हो गया अब मेरी बारी आई। पिछली बार ट्रैक्टर लेके आई थी अपने घर से, पूरी यहाँ से मतलब इस साइड से खेत पिछले है ना पीछे, इस साइड से मैं ही ट्रैक्टर लेके आई थी और आपका पापा ने हल लगाया था, तो मैंने वो ऊपर आप खेत देख रहे हैं, ये भी अपना खेत है, बहुत ज्यादा जमीन है अपनी, बहुत। अपनी बारी आ चुकी है यार, चलो शुक्र है हमारी आई। जय हो भगवान। और ये अम्मी ने भी मेरे वांगू ताड़े वांगू कैमरा खड़ा करके उंगली रखी थी। बारिश पैन लग पी
हल हो ही गया, अद्धा उन्हें किता अद्धा इन्हें। चप्पल 1 किलो की बन चुकी है इस टाइम। मैं जा रही हूँ आम के नीचे बैठने के लिए क्योंकि यहाँ लगी है बारिश, बरसात शुरू हो चुकी है। दोस्तों हमारी चप्पल दोबारा से 1 किलो का बन गया है। देखो ओ शिट यार, कपड़े गंदे हो गए पूरे। पहले आता था मुझे मिट्टी में खेलने का, तो थोड़ी आएगा जाने तक पूरा पैर चिप चिप हो जाएगी। ये भाई साहब 1 किलो का और बन गया चप्पल, 2 किलो का हो गया, 3 किलो का हो गया। ये चप्पल टूटेगी, मम्मी बोलती तू पहन मत इसको। इस पत्थर पे हम बैठेंगे फिर आप लोगों को मैं। अरे आम गिरा भी अभी। चरण पादुका को उतार के जाते हैं। आम ये आम गिरा बिल्कुल फ्रेश, फिर इसको बेचारे को कालिया हो गया है। और मेरी चप्पलों के हाल देख सकते हैं आप, 3-3 किलो की हो चुकी हैं। बाप रे, घर लेके कैसे जाऊंगी तो पता भी नहीं लग रहा चप्पल है यार। ये मिट्टी से निकालना पड़ेगा इसका मलबा, मलबा निकालना पड़ेगा खुरेद खुरेद कर, जैसे हम किसी के जख्मों को खुरेदते हैं सेम उसी तरह। जख्म ताजा हो रहे, चप्पल निकल रही है बाहर। एक बार हम घर बना रहे थे और वो घर टूट गया, मतलब हम 4 बंदे थे बनाने वाले, वो घर टूटा और बारिश लग गई थी उस टाइम भी, और बारिश लगी और वो टूट गया बनाते थे। असली का घर था, वो मिट्टी का बना रहे थे और वो जैसे वो टूटा सबने एक दूसरे पे मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। ये भी था उस मिट्टी में शामिल। देखो बारिश गिर रही है पर मैं आम के नीचे बैठी हूँ और मेरे पे थोड़ी बारिश नहीं गिर रही है। इसने मेरे से फिर से ट्रैक्टर ले लिया, इसका खुद का दिल नहीं भरता, इतना अच्छा तो लगा रही थी मैं। पिछली बार मैंने पूरा खेत में लगाया था। आज की वीडियो का भी ज्यादा मजा आया भाई व्लॉग देखने का। यहाँ पे भी असल में ना बारिश अब हो रही है और वहां पे भी बारिश हो रही है। ये तो वैसे ही पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहां पे तो अक्सर आए दिन मतलब मौसम ऐसा लगता है कि जैसे ना बारिश ही होने वाली है, जब मर्जी वहां पे बारिश आ जाती है। तो खेत भाई इनके काफी ज्यादा है और एक खेत में किसी लड़की को हल चलाते हुए मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि जो है ना मतलब लड़कियां जो है मैंने यहाँ पे वो लाभ जिसको बोलते हैं ना मतलब वो लगाते हुए मैंने बड़ी दफा लगाते हाँ वो मैंने लगाते हुए ना काफी ज्यादा दफा देखा, लेकिन ये मतलब करते हुए मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने ये भी करते हुए देखा लेकिन लड़कों को, लड़के अक्सर ना वो इस तरह ट्रालियां ना चला रहे होते हैं। तो पहले के दौर में ऐसा होता था कि वो जो होते थे ना क्या नाम डंगर मतलब के जो जानवर होते थे उनके जरिए हल चलाया जाता था, लेकिन अब जो है ना अब मतलब ये ट्रैक्टर आ गया है और जल्दी फास्ट जो है ना वो चल जाता है, तो इस वजह से ये इसको प्रेफर ही करते हैं। इसके नाना वो भी ये चलाते थे इसके मेरे हल हल अच्छा मतलब हल चलाते थे चावल हाँ भाई हाँ कनक भी भाई लगाया करते थे क्योंकि हल चला के हाँ हल चला के पूरा पानी ओए होए मतलब हल कितने मुश्किल पानी पानी चलाना वो पिछे डंगर होंगे सन जो है तो डंगर चलता तो पानी निकल जाए। अच्छा 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 मतलब के बड़ा मुश्किल था है ना। बड़ा मुश्किल था अम्मी आते थे हमारे पापा हाँ इनके ना मतलब मेरे नाना अपू जो है वो इस तरह से हल चलाया करते थे। कनक कुनक लाते होने ने ना हाँ जी तो हाँ मुंजी कनक अपने फसलें होती थी क्या हाँ है अपनी फसलें हाँ
अपनी फसलें थी तो अम्मी का अपनी कनक होती थी, तो फिर इनकी अम्मी जो है ना सुबह सुबह उठ के चक्की में जो है ना वो आटा बना के फिर डालती थी तो फिर आटा बना के फिर रोटी, कितनी मुश्किल था वो भी। आजकल हम आटा गूंदने से रोटी पकाने से डरते हैं, तो उस टाइम पे कितनी टफ लाइफ हुआ करती थी ना, इसलिए तो लोग इतनी लंबी लाइफ जीते थे। अब तो इतनी जिंदगी ही नहीं बची तुम्हारी। सही बात है, देसी घी खा खा के मेरी अम्मी भी बड़ी हुई है। अम्मी आपको देसी घी पसंद था? खाती थी पहले थी पहले तो देसी घी पहले हुआ करता था, तो तब इसी वजह से लोग इतने ज्यादा सेहत वाले होते थे। लेकिन अब जो है ना वो खाने के लिए गुड़ होता था मीठे की जगह। वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ जाता था। लेकिन अब नहीं, वो स्वाद रहे, वो मजे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। हमें पहले मजों का क्या पता, हम क्यों कौन से तब थे। लेकिन भाई बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ब्लॉग, आपको कैसा लगा बताना। पिछली अम्मी की यादें खास तौर पे ताजा हो गई हैं। वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो। थैंक यू।